तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ यहाँ एल्डी में आज सुपरमार्केट बहुत एल्डी में आई हूँ मैं। ये है एक चीपेस्ट ब्रिटिश सुपरमार्केट, बेसिकली जर्मन सुपरमार्केट है, लेकिन इनका जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर जर्मन और ब्रिटिश मिक्स रहता है। तो यूके के सुपरमार्केट्स में शॉपिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर आपको ट्रॉली चाहिए तो ये होता है ट्रॉली का सेक्शन, और यहाँ पे हर चीज़ आपको रूल के हिसाब से चलता है, और इसमें हमें 1 pound जो हमारे पैसे होते हैं, 1 pound जो होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है 1 pound, और इस 1 pound को हमें इसके अंदर ऐसे लगाना होता है, और अगर आप इसको खींचेंगे दबा के तो देखिए ये खुल जाता है, ये है ना, ये खुल जाता है, और हम ये शॉपिंग ट्रॉली जो है अंदर लेके जा सकते हैं। फिर जब शॉपिंग ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें दोबारा इसको आके यहाँ पे लगाना होता है ताकि हमें अपना 1 pound ऐसे मिल जाए बस। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये जानबूझ के ऐसे रूल्स हर एक सुपरमार्केट में बनाया गया है ताकि सब लोग ये फॉलो करें। और ट्रॉली ने तो अभी भी ऐसे कई लोग होते हैं जबको रास्ते में मिल जाएंगे कि ट्रॉली इधर उधर छोड़ देते हैं, और बेसिकली ऐसा रूल नहीं होता है। तो अब मैं आ गई हूँ एल्डी के अंदर, और देखिए ये है यहाँ पे इनका बास्केट का सेक्शन, मैं भी एक ले लेती हूँ बास्केट इधर। तो एल्डी में जब भी हम शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे सुपर 6 करके एक सेक्शन होता है जहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रैंडमली पिक किए जाते हैं, और एवरी वीक चेंज होता है ये। जैसे इस बार देखिए कॉलीफ्लावर का प्राइस जो है सिर्फ 99p है, बीन्स का प्राइस कम हुआ है, तो इस तरीके से कुछ सब्जियों के सबके प्राइजेस यहाँ पे कम होते हैं। तो यहाँ पहला सेक्शन जो है इस साइड में देखिए पूरा फ्रूट्स का सेक्शन है, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं फ्रूट्स के, यहाँ पे हर एक टाइप की चीज़ें मिल जाएंगे। देखिए आपको पपाया मिल रहा है यहाँ पे 1.49 में, ये छोटा सा साइज़ है ये। तो पपाया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये यहाँ पे ब्रिटिश ग्रोन नहीं है। वाटरमेलन एक्सपेंसिव होता है, सब टाइप के मेलन्स एक्सपेंसिव होते हैं। एप्पल्स ऑरेंजेस यहाँ पे काफ़ी सस्ता है, बनाना भी सस्ता होता है। और ये भी देखिए पूरा फ्रूट एंड वेज का सेक्शन है, और इस बार एल्डी को रिनोवेट किया गया है, हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहले ऐसा नहीं था। देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं, और ये रिनोवेशन देख के मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको फ्रूट्स में भी, जैसे ये साइड में जो फ्रिज में रखने वाले फ्रूट्स नहीं होते हैं वो ये साइड में है, और ये साइड में जो भी फ्रूट्स हैं यहाँ पे फ्रिज में, जैसे रास्बेरी हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स मैंने भी एक पैक स्ट्रॉबेरी ले लिया, वैसे आज मेरा शॉपिंग का कोई प्लान नहीं था और मैं शॉपिंग बैग लेकर भी नहीं आई, लेकिन तब भी स्ट्रॉबेरीज अच्छे दिखे तो मैंने ले लिए। देखिए टोमेटोज़ के भी अलग अलग यहाँ पे प्राइजेस हैं और वैरायटीज़ हैं, और देखिए सैलड टोमेटोज़ होते हैं, चेरी टोमेटोज़ छोटे साइज़ में रहते हैं वहाँ पे, और ये वाला बड़ा साइज़ में है ना। ये सैलड टोमेटोज़ होते हैं जो ज़्यादातर लोग सैलड के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आप कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हो। फिर वाइन टोमेटोज़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंडियन कुकिंग में यूज़ किया जाता है, थोड़ा देसी वाला फ्लेवर आता है, और ये थोड़ा सा महंगा होता है। देखिए तो इसको हम लोग, ये पालक है, स्पिनिच, बेबी स्पिनिच वगैरह आता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। देखिए ब्रिटिश ऑर्गेनिक लेटस मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एल्डी में चेंज हो चुका है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है मुझे देख के। तो इस टाइप के सब्जियाँ हैं, ये देखिए स्ट्रिंगल्ड बीन्स है ये, और ये स्ट्रिंगल्ड बीन्स ऑलमोस्ट आपको इंडिया में जो सेम की सब्जी मिलती है ऑलमोस्ट उसके जैसा ही रहता है थोड़ा बहुत। सेलरी मिल जाएगा, फिर यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियंस है, वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। स्प्रिंग ऑनियंस का प्राइस देखिए 65p है, और ये केल है यहाँ पे, तो हर चीज़ आपको मिल जाएगा। ब्रोकली मिल जाएगा, ऑर्गेनिक ब्रोकली भी है, सैलड्स हैं इस टाइप में कटे हुए मिलते हैं जो हम लोग टेक अवे, ऐसे टेक अवे लेकर जा सकते हैं। फिर विंटर और क्रिसमस के टाइम पे ये वाला आता है ब्रसल्स स्प्राउट्स, जो छोटे कैबेजेस बोले जाते हैं, तो यूजुअली इंडियंस लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश लोग इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं ये सब चीज़ें। तो देखिए फ्रेंड्स ब्रिटिश ग्रोन वेजिटेबल्स जो भी होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिलते हैं, तो आपको स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आराम से। और ये देखिए ये भी एक टाइप का चाइनीज़ कुकिंग के लिए यूज़ होता है, ऐसे स्वीट एंड क्रंची स्टर फ्राई, तो इस टाइप की चीज़ें आराम से आपको मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा सब्जी वब्जी कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। नूडल्स बनाना है तो इस टाइप का पैक आप लोग लेके खुद ही बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स स्वीट कॉर्न बाइट्स मिल रहा है, स्वीट कॉर्न ऑलरेडी कटा हुआ है, बस आपको इसको रोस्ट करना है
और आप इसको लेके खा सकते हैं। और इसका प्राइस देखिए 1.29 है। यहाँ पे लिखा हुआ है बटर विद स्पाइसी टोमेटो एंड रेड पेपर, तो रेसिपी भी साथ में लिख दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी हमारा काम हो जाता है। मशरूम्स के भी डिफरेंट वैरायटीज है, देखिए जायंट मशरूम मिलेगा, ये ब्राउन वाले चेस्टनट मशरूम्स बोलते हैं, और वो बटन्स वाले जो ओरिजिनल मशरूम है वो वहाँ पर मिल जाता है। फिर फ्रेंड्स ये है बीन स्प्राउट्स, जैसे बीन्स होते हैं उनको स्प्राउट किया जाता है, तो स्प्राउटेड बीन्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये बहुत कुकिंग में यूज़ किए जाते हैं, जैसे चाइनीज़ और थाई कुकिंग में इस तरह की चीज़ें डाले जाते हैं, तो ये आपको रेडीमेड मिल रहा है यहाँ पे बना हुआ, एग नूडल्स कुक किया हुआ मिल रहा है, और थोड़े से स्टर फ्राई सॉसेस मिल जाएंगे, जैसे कि तेरेकाई सॉस है यहाँ पे, यह है कत्सू करी सॉसेस मिल रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है बहुत ईजिली। इस टाइप की चीज़ें उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो यहाँ पे थोड़े दिन के लिए आते हैं ट्रैवल के लिए, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। फिर देखिए यहाँ पे चिकन के स्नैक आइटम्स यहाँ पे सब कुक किए हुए मिल रहे हैं, ये बस हमें अवन में गर्म करना होता है। चिकन विंग्स, चिकन पॉपर्स, चिकन नगेट सब कुछ यहाँ पर बहुत आसानी से मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी फूड का भी सेक्शन होता है, जहाँ पे आपको प्रॉन्स, सैल्मन और अलग टाइप के फिशेस मिल जाएंगे, और ये पैक्ड फिशेस हैं, ये भी आप हम लोग खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रेशली कट कोई भी नॉनवेज आइटम चाहिए तो आपको वो दूसरे शॉप्स में जाना पड़ेगा, सुपरमार्केट्स में इसी तरीके से प्री पैक्ड ही मिलते हैं। यहाँ पर होल चिकन भी आपको मिल जाएगा, देखिए होल चिकन 1.3 to 5.59 के जी, ऑलमोस्ट 2.2 के जी के आसपास है, देखिए 3.89 है इसका प्राइस, ये पूरा पैक आपको इस तरीके से मिल जाता है। और यहाँ पे जो भी चिकन के आइटम्स होते हैं, अगर आप लोग बेकन या बीफ या मतलब पोर्क चीज़ अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो ज़रा सोच समझ के लेना होता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में इस टाइप की चीज़ें मिक्स रहते हैं। तो कभी भी आप कोई भी ब्रिटिश सुपरमार्केट में सामान लें तो मेक श्योर कीजिए कि आप अच्छे से एक बार देख लें हर चीज़ कि उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है। अगर आप लोग खाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं खाता है वो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये है डाइस्ड चिकन ब्रेस्ट, तो आज मेरा प्लान है चिकन नगेट्स बनाने का। वैसे रेडीमेड चिकन नगेट्स में ही मिलता है यहाँ पे, जैसे कि ये, लेकिन आज मैं खुद बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो काफ़ी चीज़ें इसमें मुझे एलडी में नए दिख रहे हैं, और ये रिनोवेशन देख के मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। कर्ड का सेक्शन है यहाँ पे, आपको रेडीमेड पैनकेक मिल जाएगा, कर्ड्स मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे हर चीज़, कुकी डो मिल रहा है, ये सब डेजर्ट्स के सेक्शंस हैं, चूरोज़ मिल जाएगा, तो हर चीज़ आपको एलडी में बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है। ये है पूरा का पूरा चीज़ का सेक्शन, यहाँ पे ग्रेटेड मोज़रेला, ग्रेटेड मेचर शेडार, ये सब कुछ आराम से मिल जाता है। ये है पूरा अपना मिल्क का सेक्शन, हर एक टाइप के मिल्क है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा मिल्क अगर यूज़ होता है वो है होल मिल्क, पूरे ब्रिटिश सुपरमार्केट में ये होल मिल्क होता है, और सबसे कम प्राइस में आपको यहाँ पे मिलेगा जो है एल्डी में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है प्लेन वॉफल कोन्स, जो आप आइसक्रीम लाते हैं, और ये कोन रेडीमेड कोन बना हुआ इसमें मिलता है, आप बस घर में ले जाओ और इसमें आइसक्रीम डाल के हम लोग इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाता है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सुपरमार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाता है। देखिए ऑयल में भी डिफरेंट वैराइटीज़ है, ऑलिव ऑयल मिल जाएगा आपको इटालियन या फिर ग्रीक, और आपको स्प्रे वाला ऑयल चाहिए अगर सनफ्लावर, या फिर ऑलिव ऑयल, दोनों भी मिल जाता है। वेजिटेबल ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, और सनफ्लावर का प्राइस है 1.99। तो ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये वाला रहता है, और कोल्ड प्रेस्ड रेप सीड ऑयल, तो मैं ज़्यादातर कोल्ड प्रेस यूज़ करती हूँ, ऑलिव ऑयल भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ऑलिव ऑयल मैं कुकिंग में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। चटनीज मिल जाएंगे आपको, मेयोनीज मिल जाएगा, सालसा टॉपिंग मिल जाएगा। तो आपको अगर आप किसी भी सुपरमार्केट में जाओगे तो सुपरमार्केट ये खुद के सामान आपको ज़्यादा मिलते हैं, बाकी ब्रांडेड सामान भी मिलेंगे, लेकिन इनके खुद के सामान ही ये लोग ज़्यादातर रखते हैं, और इसलिए इन लोग के प्राइस भी थोड़े चीप होते हैं। तो इनके जो खुद के सामान होते हैं ना, वो भी उतने ही अच्छे रहते हैं जितना कि एक ब्रांडेड आइटम लोग।
तो पास्ताज अवेलेबल है डिफरेंट टाइप्स के और पास्ता सॉसेस भी अवेलेबल है। तो जो यहाँ पे थोड़े दिन के लिए आते हैं ट्रैवल के पर्पज़ पे, तो आप इस टाइप के बॉटल्स में आप लोग सामान ले सकते हो और कुक करके खा सकते हैं। और रेडीमेड कुक्ड राइसेस भी मिलते हैं, इस टाइप के आपको सॉल्ट एंड पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, वो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ऑल पर्पज़ सीजनिंग है, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। टर्मरिक, गार्लिक चाहिए, जिंजर चाहिए, हर चीज़, मतलब एक एक चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। घर में अगर आप कोरिएंडर ग्रो करना चाहते हैं तो ये पूरा पैक मिल रहा है मट्टी के साथ, उसमें मड रहता है, पॉट रहता है, हम उसमें ग्रो कर सकते हैं। थाई करी खाने का मन है तो थाई रेड करी का पूरा किट है, ग्रीन थाई करी खाना है तो उसका भी पूरा किट अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को, जिसको कुकिंग नहीं आता है, अगर आपको कोरमा खाना है तो वो उसका भी आपको पूरा बॉटल मिक्स्ड मतलब मिल रहा है। और इसमें बस आपको थोड़ा सा स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से डालना होता है। टिक्का मसाला मिल रहा है यहाँ पे, कोरमा मसाला का छोटा पैक है, सब कुछ अवेलेबल है। मतलब देखिए, साग मसाला, ये मैंने कुछ नया देखा है यहाँ पे, तो ये भी मिल रहा है। बटर चिकन का भी मसाला यहाँ पे मिल रहा है, साथ में यहाँ पे पाउडर भी दिया हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा लाइफ आसान करने के लिए यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। स्वीट एंड सॉर कुकिंग सॉसेस, हर एक टाइप के आपको सॉसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर ये देखें, चाइनीज़ स्टाइल करी सॉस। कई कबार मैं भी यहाँ से बहुत सारे सॉसेस मैं यहाँ से लेकर जाती हूँ, जैसे कुछ चाइनीज़ डिशेज़ होते हैं उसके लिए अगर हमें कुछ बनाना है तो ये ले सकते हैं हम लोग, है ना। आपको लसानिया का शीट्स यहाँ पे देखिए आराम से यहाँ पे मिल जाता है, मैक्रोनी है, नान यहाँ पे बना हुआ मिल रहा है, बस आपको गरम करके खाना होता है। कोकोनट मिल्क आपको आसानी से मिल जाएगा। तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हर चीज़ आपको एक ही सुपरमार्केट में कितने आराम से सब कुछ मिल जाता है। मैंगो चटनी है, ये सब चटनी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम घर में बनाए हुए चटनी के जैसा ही होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स भी इसमें नहीं रहते। पास्ता में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने सारे वैरायटीज़ हैं। ब्राउन वाले पास्ता मिल जाएंगे, स्पेगेटी तो है ही, स्पेगेटी तो बहुत कॉमन है, फूसली, पेने, सब कुछ अलग अलग, वीट वाला पेने भी मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। तो मुझे तो पता है यूके सुपर मार्केट में शॉपिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इतना आसानी से हर चीज़ मिल जाता है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कैबेज में भी आपको देखिए दो तीन वैरायटीज़ से कैबेज मिल रहे हैं यहाँ पे। पोटैटोज़ में भी डिफरेंट वैरायटीज़ होते हैं, जैसे ये है ब्रिटिश पोटैटोज़, जस्ट फॉर आइडल फॉर बॉयलिंग एंड रोस्टिंग, तो ये वाला आइडल है, ये हमारे इंडियन कुकिंग के लिए परफेक्ट है इस टाइप का। नहीं तो उसके अलावा भी आपको दूसरे टाइप के भी पोटैटोज़ यहाँ पर मिल जाते हैं। ये है बटरनट स्क्वैश, पम्पकिन के जैसा ही होता है, इसका आप लोग सूप बना सकते हैं, या फिर जो स्वीट पम्पकिन जो होता है बस उसी के जैसा, इसको हम लोग उसकी सब्ज़ी भी बना के खा सकते हैं। कैरेट्स आसानी से मिल जाएगा आपको सुपरमार्केट में, ऑर्गेनिक कैरेट्स भी मिलता है, या फिर आपको नॉर्मल रेगुलर कैरेट्स चाहिए वो मिल जाएगा। ब्राउन ऑनियंस अवेलेबल है यहाँ पर, ये वोंकी ब्राउन ऑनियंस जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, ये वाला, इसका प्राइस भी बढ़ चुका है 80p, 3 साल पहले इसका प्राइस सिर्फ 50p के आसपास होता था, अब देखिए इसका प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यूके में ग्रॉसरी के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, एवरी 6 मंथ्स में यहाँ पे प्राइस राइज हो रहा है, तो उस हिसाब से अपने ग्रॉसरी भी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पैसे ग्रॉसरी में ही खर्च होते हैं। छोटे छोटे पम्पकिन्स यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि अभी ऑटम सीज़न आ गया है, तो ऑटम सीज़न में इस टाइप के पम्पकिन्स देखने को बहुत मिलते हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे है क्रिस्प चिप्स, बेसिकली चिप्स नहीं बोला जाता है यहाँ पे, क्रिस्प बोला जाता है, जो इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं इनको क्रिस्प बोला जाता है, और चिप्स जो होते हैं वो जो थोड़े हार्ड वाले होते हैं उनको चिप्स बोला जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस है। और देखिए बहुत सारे आपको रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड कैश्यू, उस टाइप की चीज़ें, स्नैक्स आपको मिल जाएंगे, नट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, और नट्स जो होते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें हमें डेफिनेटली खाना चाहिए। ड्राइड मैंगो मिल रहा है, फ्लैक्स सीड्स मिल रहा है यहाँ पे, तो फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इस टाइप के जो भी नट्स होते हैं ना यहाँ पे बहुत आसानी से आपको कोई भी सुपरमार्केट्स में देखने को मिल जाएगा। चीज़ ट्विस्ट मिल रहा है, रोस्टेड पिस्टैचियोज़ मिल जाएगा, राइस केक्स होते हैं, इस टाइप की चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल होता है यहाँ पर।
तो ये है इनका बिलिंग काउंटर। तो बिलिंग काउंटर का भी अपने रूल्स होते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये नेक्स्ट सेक्शन है जहाँ पे यहाँ पे बिस्किट्स मिल रहे हैं पूरे, देखिए। और हर एक सुपरमार्केट का अपना एक अलग सेक्शंस होते हैं यहाँ पे। आप यहाँ ऊपर में आप देख सकते हो, यहाँ पे सब लिखा रहता है। और ब्रिटिश और इस टाइप के एल्डी और लिडल जो जर्मन सुपरमार्केट्स है बेसिकली, इनमें आपको इंडियन सेक्शन नहीं मिलेगा अलग से, सब कुछ उसी में कंबाइंड रहता है एक ही साथ। तो अगर आप ये ढूंढने जाए कि इंडियन सेक्शन कहाँ है, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टेस्को या सेंसबरीज इस टाइप के सुपरमार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग से वर्ल्ड फूड्स का सेक्शन होता है जहाँ पे इंडियन ग्रोसरी भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन एल्डी और लिडल में इस टाइप की चीज़ें नहीं मिलते हैं, ये बस कभी कभी बीच बीच में ओकेजनली इस टाइप के कुछ कुछ आइटम्स ला के रखते हैं। और कुछ फूड आइटम्स जो मैंने आपको दिखाए हैं बस वही मिक्स करके हमें बनाना होता है। अल्कोहल का एल्डी में बहुत फेमस है, एक बड़ा सा सेक्शन है यहाँ पे पूरा अल्कोहल का। और ये वाला सेक्शन है स्पेशल बाइस का, जहाँ पे एवरी थर्सडे ये लोग एक नए प्रोडक्ट्स या नए ब्रांड्स को लेके आते हैं और थोड़े रीजनेबल प्राइस में रहता है। और ये है देखिए इनके खुद के कॉस्मेटिक रेंज, और बच्चों का छोटा सा बेबी सेक्शन है जहाँ पे पूरा नैपीज भी मिलते हैं यहाँ पे। तो ये है इस बार का स्पेशल बाय सेक्शन, जहाँ पे ये है ह्यूमिडिफायर। यूके में यू नो ये मॉइस्चर वाला प्रॉब्लम बहुत होता है घरों में, तो ये वाला जो अगर आप लगाओगे घर में फ़ैन के ऐसा होता है, ये मॉइस्चर को पूरा सोक कर लेता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। ये है फिल्टर का कार्टिजेस जो बोलते हैं, वो उसमें मिल रहा है। थोड़े से यहाँ पे सेट आए हुए हैं, कैनिस्टर सेट, शैम्पूज आए हुए हैं, थोड़े से स्पोर्ट्स वाटर बॉटल्स हैं। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं लग रहा है इस बार के स्पेशल बाय सेक्शन में। तो वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस बार, वैसे इन लोगों का चेंज होता रहता है। लिडल में जो स्पेशल बाय सेक्शन होता है वो बहुत सही होता है लिडल का। तो अब लिडल का भी जाओगे तो लिडल के स्पेशल बाय सेक्शन को ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो ये सब बुक्स आए हुए हैं बच्चों के लिए, मतलब स्पेशली ये बेबीज़ का ज़्यादा आया हुआ है इस बार। और क्रिसमस के और विंटर के टाइम पे इस टाइप के आपको चॉकलेट बॉक्सेस मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल होता है। और यहाँ पे है थोड़ा सा हाउस होल्ड क्लीनिंग आइटम्स जो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और ये इनके खुद के लॉन्ड्री पाउडर्स अवेलेबल हैं, ये कंडीशनर्स अवेलेबल है, लॉन्ड्री लिक्विड चाहिए तो लिक्विड भी अवेलेबल है, पाउडर भी अवेलेबल है, और पॉड्स जो होता है पॉड्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो अलग अलग वैरायटीज़ हैं, वो हम लोग अपने फैमिली के हिसाब से लेना होता है कि हमें कितना ज़रूरत है। डिश लिक्विड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। वैसे तो मैं इनके खुद के ब्रांड्स के डिश लिक्विड्स डिश पॉड्स जो होते हैं डिश वॉशर पॉड्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस मैं ब्रांडेड वाले ही यूज़ करती हूँ कि वो ये सब ज़्यादा काम नहीं आता है। डस्टबिन के कवर्स चाहिए तो वो मिल जाएगा, क्लीनिंग क्लॉथ्स मिल जाएगा यहाँ पे, और ब्लीच टॉयलेट क्लीनर वो भी आराम से यहाँ पे अवेलेबल है। फिर फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ लिटिल सॉरी एल्डी के बेकरी के सेक्शन में, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और उनके देखिए बेकरी के सेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें कम प्राइस में मिलेंगे, जैसे डोनट्स अवेलेबल है, बंस और ब्रेड सब अवेलेबल होता है। अलग अलग ब्रेड्स हैं यहाँ पे, और हमारे इंडियन कुकिंग के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो सबसे बेस्ट ब्रेड होता है ये किंग्स मिल का 50-50, जो होल व्हीट एंड वाइट वाला जो फ्लावर होता है उसको मिक्स करके बनाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। वो हनी मिल जाएगा देखिए यहाँ पे, मोनिका हनी जो होता है वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है, देख ही सकते 4.39। ये वाले हनी होते हैं अकासिया, ये सबसे बेस्ट हनी होता है। तो सब अलग अलग प्राइसेज हैं यहाँ पे, न्यूट्रेला भी अवेलेबल है, पीनट बटर भी अवेलेबल है, तो हर चीज़ यहाँ पे बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इनके खुद के ब्रांड्स कितने ज़्यादा अवेलेबल है। आलमंड बटर में मिल जाएगा आपको, पीनट बटर सब, मतलब बहुत आसानी से हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। फ्रेंड्स ये है देखिए अपना चाय एंड कॉफ़ी का सेक्शन, और इसमें नेस्कैफे भी मिल जाएगा और एल्डी के खुद के ब्रांड्स भी अवेलेबल है। एल्डी के ब्रांड का ये जो चाय है रेड लेबल, जो रेड कलर में रहता है, काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में नहीं होता है,
पाउच के फॉर्म में होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इंग्लिश ब्रेकफास्ट फाइन टी भी अवेलेबल है, तो अगर आपको कम क्वांटिटी में चाहिए तो छोटा पैक ले सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो ये वाला ले सकते हैं। थोड़ा अच्छा ब्रांड चाहिए तो पीजी और योक्शा ब्रांड भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और कॉफ़ी में देखिए नेस्कैफे भी है और इनका एल कैफे है, ये एल्डी का खुद का ब्रांड है। तो मुझे भी ये कॉफ़ी लेना था, मैं भी देख लेती हूँ कौन सा लेना है। तो फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि मैं ले लूँ इस बार नेस्कैफे का गोल्ड ब्लेंड या फिर एल कैफे, पता नहीं, बहुत कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ले। ज़्यादातर सेम ही रहता है इन सब का। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने नेस्कैफे का ही ले लिया और मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छा ब्रांड ही लेते हैं इस बार, मैंने वो ले लिया। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितने टाइप के बंस आपको मिल जाएंगे। इतने साल में मैंने बहुत ही कम ऐसे होंगे जो मैंने यूज़ किया है, बहुत कम मैंने यूज़ किया है। टॉर्टिला रैप्स जो रोटी के ऐसा रहता है वो आपको मिल जाएगा आराम से। और ब्रोशे लोफ थोड़ा सा स्वीट होता है ये वाला, लेकिन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो ये हम लोग ले सकते हैं। ये है पेरिनी रोल्स, ये भी बहुत अच्छा होता है लंच बॉक्स के लिए। क्रोसेंस तो ऑब्वियसली ब्रिटिश फूड है तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इस टाइप के स्वीट रोल्स होते हैं, इस टाइप के बंस, तो ये हम लोग एज अ सैंडविच भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है वो। और ये देखिए स्वीट ट्रीज, केक एंड बंस, ये सब अवेलेबल है यहाँ पे। वॉफल्स भी अवेलेबल है, आइस्ड बंस अवेलेबल है, चीज़ केक्स, ये भी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया है ब्लूबेरी मफिन्स और ट्रिपल चॉकलेट मफिन्स, ये मैंने बच्चों के लिए लिया है दो वाले। शुगर यहाँ पे थोड़ा महंगा है, देखिए वाइट शुगर जो आपको 1 पाउंड के ऊपर मिलेगा, फिर ब्राउन शुगर अवेलेबल है और आपको इस टाइप के जो मैदा वाले फ्लावर्स होते हैं उसमें सेल्फ रेजिंग फ्लावर है और प्लेन फ्लावर, दो वैराइटीज के मिलते हैं। तो सेल्फ रेजिंग फ्लावर जो है ऐसा वाला चीज़ होता है जिससे कि आपको इसमें सोडा वोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पकौड़ी या इस टाइप की कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं तो वो रेड वाला पाउडर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी देखिए आपको आराम से यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, चॉकलेट चिप्स, यहाँ पे कपकेक का जो लाइनर्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ हर चीज़ बहुत आसानी से, एग्स है और वहाँ पे केलॉग्स और जो भी कॉर्नफ्लेक्स होता है बच्चों के लिए हर चीज़ यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल है। ओट्स भी अवेलेबल है बहुत आसानी से, आपको बेसिक वाला जो ओरिजिनल ओट्स होता है वो आराम से यहाँ पे मिल जाता है। एग्स है यहाँ पे आसानी से, देखिए सब कुछ मिल जा रहा है इधर। और ये है पूरा का पूरा इनका फ्रोज़न वाला आइटम्स, यहाँ पे आइसक्रीम, फ्रूट्स और पिज़्ज़ा या फिर कुछ टाइप के जो खाने पीने के आइटम्स होते हैं वो भी यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए अभी वेजिटेबल बाओ बंस जो चाइनीज़ वाला होता है वो यहाँ पे मिल रहा है। और धीरे धीरे क्रिसमस के रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हर चीज़ आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, एक ही चीज़ मैंने आज आपको इस वीडियो में दिखा दिया कि कितनी चीज़ें आपको एक ही सुपर मार्केट में हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो मुझे तो बेसिकली एल्डी हो गया या फिर कोई भी सुपर मार्केट्स हो, मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ईजिली सब कुछ अवेलेबल होता है। अब चलते हैं बिलिंग साइड में। तो फ्रेंड्स हम लोग जब भी बिलिंग के लिए जाते हैं तो एक सेक्शन होता है सिर्फ बास्केट के लिए जैसे ये वाला, और दूसरा सेक्शन होता है वहाँ पे ट्रॉली का सेक्शन। तो जो बास्केट का सेक्शन है वो सिर्फ बास्केट्स के लिए ही अलाउ करते हैं, और फिर या तो आप लोग ट्रॉली में जाएं, तो जो भी ट्रॉली वाला खुला है हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। तो मेरे पास बास्केट है तो मैं जा रही हूँ बास्केट वाले सेक्शन में। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे अपना बिलिंग कर लिया, कुछ प्राइस हुआ 17 pounds and 16, और यहाँ पे कैरियर जो बैग होता है उसका भी देखिए चार्ज होता है 33। तो अब मैं जा रही हूँ अपना पेमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरा हो गया शॉपिंग एंडी से और मैं जा रही हूँ। और देखिए यूजली शॉपिंग ट्रॉलीज होते हैं एक साइड होता है वहाँ रखना होता है, और हर एक सुपर मार्केट का अपना अलग ही रूल है।
तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। वैसे मैंने एल्डी का एक पूरा वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स मैंने फिर से ये वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ चुके हैं, बहुत सारे प्राइजेस में चेंजेस आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला जो एल्डी स्टोर है ये मैंने हाउस लो का वीडियो निकाला है आज, और हाउस लो का जो एल्डी है वो देख ही सकते हैं काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो पार्किंग भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो अब यहीं एंड करती हूँ मैं। टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।